एज वी ऑल नो कि हमें कोई भी वीडियो या फोटो बनानी है तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लाइट होती है। अगर लाइट अच्छी है तो फिर ही आप कैमरे के डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट सेटिंग्स के साथ खेल के अच्छी आउटपुट ले सकते हैं। तो लाइट जो होती है दो किस्म की होती है, एक होती है नेचुरल लाइट जो कि बाहर से आ रही है, सूरज की होती है, और दूसरी लाइटिंग जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल लाइटिंग। वो जब हमने इंडोर शूट करना हो, जैसे कि अभी हम स्टूडियो में शूट करें, तो फिर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सॉफ्ट बॉक्सेस होते हैं, डिफरेंट एलईडीज़ होती हैं, डिफरेंट फ्लैशेस होती हैं। आज एक इसी तरह की वीडियो लाइट है जिसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं और उसको थोड़ा सा चलाकर देखते हैं, चेक करते हैं कि वो क्या चीज़ है। उलांजी की तरफ से, और मॉडल नंबर है इसका VL49 एंड इट्स एन RGB लाइट। और अगर इसकी स्पेक्स की बात की जाए तो वो आ रहा है कि कलर टेम्परेचर जो है इसका 2500 केल्विन से लेकर 9000 केल्विन तक है, और 60 LEDs हैं इसमें, और 800 लक्स का ये ब्राइटनेस है, 2000 mAh की बैटरी है, और वर्किंग टाइम जो है इसका मैक्सिमम अगर आउटपुट करते हैं तो 2 घंटे चलता है, और लो आउटपुट पे तकरीबन 10 घंटे चल सकती है। सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सिलिका जेल, और फिर इसकी एक बुकलेट है। देखते हैं कि बुकलेट की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती, मेरा नहीं ख्याल कि बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ इसके चार्जिंग केबल है जो कि Type-C है, तो उम्मीद है कि ये एक फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगी हमें। और फिर आ रही है लाइट। सो दिस इज़ द लाइट। लाइट एक बहुत अच्छे साइज़ की है, पोर्टेबल है। नीचे इसके जो हॉट शू लगा है कि आप इसको कैमरे पे माउंट करके साइड पे कहीं पे भी माइक इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट टर्न इट ऑन। लाइट तो काफ़ी है भाई। अभी लाइट काफ़ी है। अगर इसके पीछे डिस्प्ले की बात की जाए तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें बैक पे इसकी आउटपुट आ रही है कि कितनी पावर हो रही है इसकी। अगर आप इसको ये देखें एडजस्ट कर रहे हैं तो ये इसकी पावर कम कर रहा है, और 0% पे लाइट ऑफ हो गई है। अभी ये हम इसको अगर इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, और अभी ये इसकी पावर ज़्यादा हो जा रही है, एंड दिस इज़ 100%, और लाइट आई थिंक काफ़ी है ये। और अगर हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, मतलब दूसरे पे जाते हैं, तो ये RGB पे चला गया, सभी ग्रीन है। अब ये डिफरेंट RGB कंट्रोल है। लाइट बहुत तेज़ है। इसकी RGB तो चेक हो गई। अब हमने चेक ये करना है कि क्या ये वाइट में ही चलता है या वार्म लाइट भी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए जो केल्विन यहाँ पे 6600 केल्विन आ रही है अभी उसकी पावर, तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये देखें ये 9000 केल्विन पे ऐसे पूरा गोरा कर दिया मुझे। और इसको अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो नाउ इट्स वार्म। अगर इसको करीब से देखा जाए तो इसमें यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले है, और ये RGB के नीचे उन्होंने एंगल्स मतलब वैल्यूज़ दी हुई हैं कि अगर आप इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो डालते हैं उसके लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा कलर रखना है। और नीचे कुछ बटन्स हैं। यहाँ पर इसकी ये Type-C की चार्जिंग पोर्ट है, एंड दिस इज़ द ऑन एंड ऑफ बटन, और ये इंस्टेंटली गोरा कर दे, फेयर एंड लवली टाइप। अगर इसकी हमें पावर देखनी है तो लेट्स चेक इट आउट। अभी मैं पहले जो यहाँ मैंने अपने सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है इसको ऑफ करके चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या बनती है। बहुत तेज़ है यार। सो नाउ एज यू कैन सी कि मेरा अभी सॉफ्ट बॉक्स बंद हो चुका है, और अब इसको ऑन करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ देती है। और वैसे तो बहुत तेज़ है। सो दिस इज़ उलांजी VL49 जो कि मैंने अभी अपने कैमरा पे माउंट किया, और ये फुल इसकी जो 100% आउटपुट है उस पर चल रही है, और ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट। अब सिर्फ एक ये लाइट चल रही है, तो अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो ये एक सॉफ्ट बॉक्स है जो कि डायरेक्ट मुझ पर हिट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी एक ये साइड तो बहुत अच्छी लाइट हो रही है, लेकिन ये साइड मेरी थोड़ी सी ब्लैक आउट हो रही है। और इसको कवर करने के लिए मुझे सेकेंडरी लाइट चाहिए थी जो कि पोर्टेबल हो, जिसको मैं कहीं भी शूट कर रहा हूँ तो मैं आगे पीछे एडजस्ट कर सकूँ। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा रिजल्ट इंस्टेंट चेक कराता हूँ कि अभी इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस छोटी सी लाइट से। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मेरी सेकेंडरी लाइट आ गई है, जो कि मेरी चीज़ ब्लैक आउट हो रही थी, अब ये चीज़ ब्लैक आउट नहीं हो रही, और मेरा एक चेहरा बहुत अच्छे से लेट हो रहा है, और यही इसका मकसद था। तो मकसद तो पूरा कर दिया इसने। मेरी रिकमेंडेशन भी ये हुआ कि आप इसको एज अ मेन लाइट यूज़ ना करें, इसको एज अ सेकेंडरी लाइट या फिर बैक लाइट यूज़ करें। और अगर आरजीबी है, अगर आप इसकी आरजीबी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कोई भी आप एम्बियंस बनाने के लिए या फिर कोई भी बैकग्राउंड बनाने के लिए इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उलांजी VL49 RGB विद 2000 mAh बैटरी एक बहुत अच्छी लाइट है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। पोर्टेबल है, चार्जेबल है, इसमें आरजीबी की ऑप्शन भी मिल जाती है आपको, और जो लाइट है उसकी आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो वाइट लाइट है, सिर्फ वाइट नहीं है, उसका भी टेम्परेचर आप चेंज करके उसको भी वार्म पे लेके जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज इट, सुहेब भाई फ्रॉम कराची कैमरा इज़ हेयर, आप उनसे ले सकते हैं। मेरा नाम लेंगे तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट जाके ले लीजिएगा, मेरा नाम ना लीजिएगा। बाय।